स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मजे की लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं दाल खिचड़ी, दाल चावल की। तो दाल जो है, कौन सी दाल है हमारे पास? दाल मूंग और चावल। इसके लिए हमने लिया 3 कप चावल हैं और 2 कप दाल हैं और एक अनियन मीडियम साइज़ का और तकरीबन 120 ग्राम बटर ले लिया हमने। इसको शुरू करते हैं। उससे पहले सबसे पहले जो चावल हैं इनको भिगो लेंगे, धो लेंगे अच्छे से, और साथ ही में हम जो जो आग पे ऑन कर देंगे करके। इसको थोड़ा मसाला बना लेंगे, जमीन थोड़ा कलर कर लेंगे जो अनियन का। चावल धो लिए हैं, इनको भिगो के रख देंगे पानी में, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए, 20-15 मिनट के लिए। ये द फायर फास्ट है नीचे। इसको थोड़ा ना कलर देने के लिए तो अनियन को थोड़ा खा लेंगे, इसको इससे कलर भी आ जाएगा और जायका भी दोनों साथ में। ये मैं पहली दफ़ा साथ मिलकर बना रहा हूँ, पर मैं वैसे वो खुद ही बनाती है। देखते हैं कैसे बनती है। इट्स नॉट माई फेवरेट बट आई एम ट्राई टू। ये जो बटर है वो सारा मेल्ट हो गया। इसका कलर जो है ना ब्राउन कर लेंगे थोड़ा, जैसे आप बनाते हैं ना पुलाव के लिए वगैरह, ऐसा ही करना है। और साथ में इसके बाद फिर जो है मसाले वगैरह के टमाटर जो वो भी डालेंगे। अभी थोड़ी देर इसको और पकाना है, कलर चेंज करना है इसका। ओके, देखें ये काला आ गया, थोड़ा पानी डाल के कवर कर देंगे इसमें। पानी जो है तकरीबन तैयार हो गए हैं, इससे और कलर आएगा। और देखें मेक श्योर करें पानी डाल से कवर करें उसी वक्त, और आग भी कम कर दें। तो ऑयल होता है, बटर होता है ना, इस वजह से आपको डालना पड़ता है। अभी थोड़ा पानी और डाल लें, थोड़ी देर के कवर करने की जरूरत, उसके बाद ज़्यादा नहीं जरूरत है। कलर चेंज हो गया। ये तकरीबन कलर हो गया ठीक प्याज का। अब इसमें डालेंगे मसाले, तकरीबन 1¾ पौनी 2 चम्मच जो है सॉल्ट है, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूरज मिर्च, 1 चम्मच काली कुटी मिर्च और आधी चम्मच साबुत जीरा। इसको डाल देंगे और थोड़ा भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए। और साथ में एक मीडियम टमेटो गया इसमें। अब थोड़ा मसाला थोड़ा भून लेंगे 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें थोड़ा सिलेंटर भी डाल देंगे, सब्ज धनिया ये गया, और तुम्हारे पास 3 कप चावल है, 2 कप जो है ना ये दाल है। इसमें जाएंगे 7 ग्लास, 14 कप, ये तकरीबन 14 कप जो है ना वो पानी जाएगा इसमें, क्योंकि खिचड़ी है, अगर पानी थोड़ा होगा तो चावल हार जाऊंगे आपके। 7 ग्लास है ना, 7 कप। या मेकिंग श्योर कंफर्म यू नो। फिर 1 ग्लास है, ये 2 कप का है, उसके हिसाब से ये क्या। ये हो गए 7 ग्लास जो 14 कप पानी के, और साथ में ये 2 कप दाल डाल देंगे। अभी ये दाल मूंग है और इसको तेज आंच पे बॉयल आने तक ले छोड़ देंगे। तकरीबन 5 मिनट लगे हैं, पानी को बॉयल आ गया।
अभी हम क्या करेंगे, जो आग है उसको मीडियम पे कर देंगे, तो दाल को अच्छी तरह गलने देंगे तकरीबन 50% 40% 60%। आप कह रहे तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, वो आप देख सकते हैं दरमियान में कितना देर लगेगी, लेकिन आग को मीडियम कर देंगे अभी हम। तो अब देखते हैं कितनी लगती है, 15-20 आपको बताएंगे, देखते रहें। तो अभी तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं इसको, सो जस्ट चेक है, लेकिन दाल तकरीबन काफ़ी हद तक जो है ना मेल्ट हो गई है। इसको रखेंगे, अब इसमें डाल लेंगे चावल में। चावल जो है तकरीबन हमारे 20 मिनट हो गए, उसको भिगो दो के अच्छी तरह भिगो के रखा हुआ था। ये देखें दाल, ये दाल इज रेडी। सो बिस्मिल्लाह, ये तकरीबन 3 कप चावल थे हमारे पास। पानी काफ़ी है, सो इसमें जो पानी नहीं जाना चाहिए, कोशिश करें कि चावल का जो पानी है वो बाहर ही निकालें, साथ में डालें इसमें। सो अभी थोड़ी जो आग है वो तेज़ कर देंगे अभी यहीं से। अभी जो फायर है तकरीबन सारे टाइम जो फास्ट रहेगी, फिर पानी ज़ाया नहीं करना, चावल जितने भी हैं निकालना है। मिक्स करके छोड़ दें इसको, जो पानी जो है वो सारा वाइब्रेट हो जाएगा, चावल कुछ यू नो ड्रिंक करते हैं खोलने के लिए। सो अब इसको छोड़ दें, कवर करने नहीं, सो फास्ट फायर है, कवर नहीं करना अभी आपको थोड़ा। ओके देखें तकरीबन 3 मिनट हो गए इसको, तो बॉयल आ गया पानी को, लेकिन कवर रहने दें और थोड़ा ध्यान रखें इसको, देखते रहें कि पानी बाहर ना आए, बस इसके लिए बस 2-4 मिनट में ये पानी वाइब्रेट हो जाएगा सारा। सो देखते हैं, सो देखें पानी जो है सूख चुका है, और एक थोड़ा हल्का सा मिक्स करें, ज़्यादा नहीं करना। थोड़े फ्लेवर जो है स्पाइसेस जो है सारे एक साथ हो रहे हैं। बस एक आध मिनट के लिए आग जो तेज है, तो बाद में इसको दम दे देंगे थोड़ा। सो पानी सूख चुका है, देखें अच्छे से, पर लिखना नहीं है क्योंकि दम के लिए तो छोड़ा चाहिए ना आपको। सो अभी हम इसको ना दम पे डाल देंगे बस ऐसे ही। पे डाल दिया, इसको कवर कर देंगे, और जो फायर है जो आग है उसको लो कर देंगे, बस बस मीडियम से कम होता है। तो तकरीबन 10 मिनट के लिए आप देख सकते हैं कम ज़्यादा उससे। सो 10 मिनट के बाद देखते हैं आपके भी दिखाते हैं। सो 10 मिनट के लिए दम दिया हुआ था हमने, उसके बाद हमने तकरीबन 5 मिनट 6 मिनट छोड़ दिया था वैसे ही। बिस्मिल्लाह देखें अभी भी स्टीम है। सो अब देखते हैं खिचड़ी की क्या खुशबू, तो बहुत प्यारी आ रही है। चलो wow, surprisingly smells nice. So abhi dish out karke dikhate hain aapko.
लेट्स टेस्ट करते हैं। बेसिकली फर्स्ट टाइम ट्राई रहे मी खिचड़ी, सो इट्स गुड, बहुत अच्छी बनी है। ट्राई करें, बना कर देखें। एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।